The problem is we have to integrate the function, which is sin x raised to the power 3 between the limit 0 to pi by 2. And we have to prove that the result is always equal to 2 by 3k. So let's see how we will solve this problem. देखिए इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप sin x की पावर 3 को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब डायरेक्ट तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करें, वी आर यूजिंग द फॉर्मुला ऑफ sin 3x। तो एज यू नो डेट sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin क्यूब x के। अब इसको मैं फर्दर अगर मैनिपुलेट करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x के, फाइन। या फिर फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x एंड डिवाइडेड बाई 4 के। तो मैनिपुलेशन तो हमने कर लिया है, बस चलिए अभी केवल इंटीग्रेशन करना बाकी है। नाउ द क्वेश्चन पार्ट इज, जो कि था आपके पास 0 to π/2 sin 3x dx, आपको गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। इसको आप लिख सकते हैं 0 to π/2 दिस इज 1/4 3 sin x माइनस sin 3x into dx के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे 3/4 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 दैट इज sin x dx, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin 3x into dx के। अभी कुछ नहीं बचा है, बस केवल इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और इसकी लिमिट हमें सबमिट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3/4 विच इज ए कॉन्स्टेंट, sin x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो sin x का इंटीग्रल बनता है माइनस के cos x के, है ना। तो और इसकी लिमिट आप देख सकते हैं, द लिमिट इज बिटवीन 0 to π/2, ये फंक्शन की आपके पास लिमिट है, माइनस के 1/4। और sin 3x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, sin 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल आता है माइनस के cos 3x by 3 between the limit 0 to π/2 के। अभी कुछ नहीं करना है, बस ये लिमिट और सेट करना बाकी है और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें मिलने जा रहा है। तो आप इसमें माइनस को आप सेपरेट कर लीजिए, दैट इज -3/4, और ये बन जाता है cos 0 माइनस, दैट इज नॉट cos 0, द फर्स्ट टर्म इज cos π/2, दिस इज cos π/2 माइनस cos 0 के, ये फर्स्ट टर्म है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1/12 आप देख सकते हैं कि इसे आप कॉमन कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास बनेगा cos of 3π/2 एंड देन आफ्टर माइनस cos 0 के। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। ये बनता है माइनस के 3/4, cos π/2 आपका 0 होता है, cos 0 आपका 1 होता है, प्लस के 1/12, दिस इज 1/12। cos 3π/2 की बात करें तो दिस वैल्यू इज अगेन 0, दिस इज 0, और cos 0 की बात करें तो ये आपका माइनस 1 के इक्वल होता है। तो अभी देखते हैं कि फाइनली डाटा हमारे पास क्या आ रहा है। द फर्स्ट टर्म इज 3/4, दिस इज 3/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12 के। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 12 इज और एलसीएम, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 - 1, दिस इज 8/12, और यू कैन राइट इट 2/3. So finally, this is the proof for the given question.